नमस्कार, लोकमत सुबह की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं सुबह की अब तक की बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी के शव को आज दुबई से मुंबई लाया जाएगा। इसके लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी का प्राइवेट जेट दुबई पहुंच चुका है। दुबई प्रशासन की ओर से हरी झंडी मिलते ही शव लेकर यह जेट मुंबई आ जाएगा। इधर मुंबई के वर्सोवा स्थित भाग्य बंगले में श्रीदेवी की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। गौरतलब है कि श्रीदेवी का निधन शनिवार रात दुबई में हो गया था। जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग आतंकी हमलों में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पहला हमला आतंकियों ने बड़गाम जिले के चरारे शरीफ में एक गार्ड पोस्ट पर किया। हमले में घायल कांस्टेबल कुलतार सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरा हमला श्रीनगर के सौरा में आतंकियों ने पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमला कर किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी फारूक अहमद शहीद हो गए। दिल्ली सरकार से नाराज अधिकारी आज केजरीवाल सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों से बातचीत कर मामला सुलझाने की बात कही थी। शुक्रवार को केजरीवाल सरकार की पूरी कैबिनेट ने उपराज्यपाल से मिलकर कहा था कि वो अधिकारियों से बात करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को पेट में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ में रेलवे लाइन पार करते समय 6 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली से फैजाबाद जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस पिलखुआ में रात 9:30 बजे के करीब कुछ देर के लिए रुकी। इस दौरान कुछ दैनिक यात्री ट्रेन से उतरकर पटरी पार करने लगे, तभी दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रेन की चपेट में आने के बाद यह हादसा हुआ। सुबह की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.इन के साथ।